शाम के 4 बज चुके थे। मैं अंकल के पास उनकी दिहाड़ी के 600 रुपए लेकर गया और आवाज दी, अंकल आपका ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, इस शदीद सर्दी में भी उनके चेहरे से पसीने की बूंदे टपक रही थी। उन्होंने अपनी फटी हुई कमीज के दामन से चेहरा पोंछा और बोले, मैंने 2 घंटे और काम करना है, भाई से पूछ आओ ना, 200 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। मैंने हामी भर ली और वो फिर से काम में मसरूफ हो गए। मैंने घर आकर भाई को बताया तो उन्होंने 200 रुपए मजीद थमा दिए और कहा, उन्हें 800 रुपए दो और घर भेज दो। मैंने 800 रुपए उन्हें दिए और काम छोड़ने को कहा, जिस पर वो मुश्किल से राजी हुए। और अपने प्लास्टिक के पुराने जूते उठाकर पहने, जिसमें से पांव का अंगूठा जूते में बने सुराख से बाहर आ गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। उनके चेहरे पर सख्त थकावट के बावजूद फातिहाना चमक सी थी, जिसने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। उन्होंने नीचे देखा, कुछ सोचा और जेरे लब मुस्कुराए, जिससे मेरे तजस्सुस में और इजाफा हो गया। मैंने उन्हें रोक लिया और उनके पास जाकर मुस्कुराने की वजह पूछी। इसरार करने पर उन्होंने बताया, कल गांव में शादी है, बच्चों की अम्मी ने नए सूट का मुतालबा कर रखा था, इसलिए परेशान था। अल्हम्दुलिल्लाह अब पैसे पूरे हो गए, जाते हुए उनके लिए सूट ले जाऊंगा, बस यही सोचकर मुस्कुरा पड़ा। इसी नमी के साथ उसे अलविदा किया और ये सोचता हुआ घर की तरफ चल दिया कि एक शौहर अपने घर वालों की खुशी की खातिर क्या क्या कर रहा होता है। अगर इसका अंदाजा घर वालों को हो जाए तो उसकी राह में आंखें बिछाने लगे। उम्मत पर मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान, अल्लाह पाक उस औरत पर नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपने शोहर का शुक्र अदा नहीं करती, हालांकि वो अपने शोहर से बेनियाज भी नहीं। सवाब की नीयत से शेयर कीजिए।